जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीआरओ ग्रीफ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन में आपके एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल और डीईएस ड्राइविंग इंजन स्टैटिक की जो नई भर्ती है वो आ चुकी है। और इस भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर आपके फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन यहाँ पर बार बार आपके डाउट आ रहे थे भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर जो आपका एसकेटी और डीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पूरे नोटिफिकेशन का जो निचोड़ है वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको हम गारंटी देते हैं कि यहाँ पर भर्ती के बारे में एक सिंगल डाउट भी आपका नहीं बचेगा। ओके, तो क्या आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो ये है आपका बीआरओ ग्रीफ एसकेटी और डीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपका एडीबीटी नंबर 02/2022 के नाम से जाना गया है। और ये टोटल देखिएगा आपका 36 पेज का नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी बताने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि जो पीछे आपकी भर्ती हुई थी एसकेटी और डीएस के, वहाँ पर हमारे 123 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था हमारे स्पेशल बैच और स्पेशल नोट से। और इस भर्ती के लिए भी स्पेशल बैच स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89306-38526। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच के नोट्स की जानकारी ले सकते हैं एसकेटी और डीएस की पोस्ट के लिए। और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, पूरी गारंटी देते हैं कि यहां पर अगर अच्छे तरीके से मेहनत आप लोग करते हैं हमारे दिए हुए नोट से, दिए हुए बैच से, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। तो इस नोटिफिकेशन में देखिएगा क्या है कि 36 पेज के नोटिफिकेशन में कहीं पर भी आपकी वैकेंसी की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वैकेंसी कितनी किस कैटेगरी की क्या है वो देखिए। तो ये है आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिसमें आपको जानकारी दी गई है आपकी टोटल वैकेंसी और जो भी आपकी कैटेगरी है उस वैकेंसी के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो बीआरओ ग्रीफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन अवेलेबल है 36 पेज का, उसमें जानकारी नहीं दी गई है। तो ये जानकारी कहाँ से आई? तो अगर आपको पता हो, कोई भी आपकी भर्ती होती है, चाहे बात करें हम ऑनलाइन की या फिर स्पेशली ऑफलाइन की, तो वैकेंसी आपके आउट होने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो कहाँ पर आउट होती है? वो होती है आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। और ये वैकेंसी की जानकारी आपकी पब्लिश हुई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर बिना किसी शक के आप लोग इस वैकेंसी का डाटा को बिल्कुल सच मान सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी कितने हैं? 876 वैकेंसी हैं, जिसमें से एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल की 373 वैकेंसी हैं, जिसमें से यूआर की 157, एससी के 53, एसटी के 26, ओबीसी के 103 और ईडब्ल्यूएस की 38 वैकेंसी हैं। सेम उसी तरह से जो आपके मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट है, इसकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है 499। इसमें से यूआर की 164, फिर आपके एससी के 90, एसटी के 50, ओबीसी की 177 और ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी यहाँ पर आपकी रखी गई हैं। ओके, तो ये आपके वैकेंसी का डाटा है। अब इसमें से आपको मेन पॉइंट क्या नोट करना है कि जो आपके रिजर्व कैटेगरी हैं कौन कौन सी, एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी कैटेगरी की वैकेंसी है और यहाँ पर जनरल की भी वैकेंसी है। तो ये सभी जो कैंडिडेट हैं, अगर आप ओवर एज हो चुके हैं जनरल के एज के कंपैरिजन में, तो आपको कहाँ पर अप्लाई करना होगा? अपनी रिजर्व कैटेगरी में। लेकिन यदि आपकी जो एज है वो जनरल के समान है और आप खुद की कैटेगरी में फाइट नहीं करना चाहते, तो आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? जनरल के अगेंस्ट। लेकिन वहाँ पर याद रखिएगा, जो आपको एज में छूट है वो नहीं दी जाएगी। इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी वीडियो है इसको आप बीआरओ ग्रीफ की भर्ती के एक शॉर्ट फिल्म मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत आपको नहीं होगी एसकेटी और डीएस की भर्ती के बारे में बीआरओ ग्रीफ के लिए।
ओके। और देखिएगा ये जो आपका यहाँ पर फॉर्म आप लोग देख रहे हैं, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है जो कि टोटल आपका 4 पेज का है। और इस ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप वो कम्प्लीट वीडियो देख सकते हैं और आपको पूरे गारंटी देते हैं कि अगर जिस तरीके से आपको हम बताते हैं उस तरीके से फॉर्म अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, ये हम आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकते हैं। ओके, तो यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपको नहीं पता कि क्या कुछ मिस्टेक आपने की है या फिर मिस्टेक नहीं की, या फिर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। ओके, अब ज़रा आप लोग नीचे आइएगा और नीचे आने पर देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर आपकी ये डिटेल दी गई है आपके सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखना है अपने सर्टिफिकेट का और उसमें क्या चीज़ आपको नोट करनी है कि जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे कि SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन जो भी आपकी कैटेगरी है, तो क्या उस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है आपकी जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट आपका इनके अनुसार है या फिर नहीं, क्योंकि BR ग्रीफ में आपका जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा अप्लाई होगा, वो होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है अगर वो लगाया है अपने कास्ट का तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात को बिल्कुल आप लोग जो है याद रखिएगा। ओके, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का रिजर्व कैटेगरी का वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका EWS का, ऊपर आपका OBC का है। ओके, अब ज़रा नीचे आने पर देखिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आपके सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके जो ओनली मेल कैंडिडेट हैं वहीं एलिजिबल हैं, वहीं अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती। ओके, सेकंड चीज़ है, अगर यहाँ पर फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको जो इंडिया का सिटीज़न है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी प्रोसेस रहने वाली है जैसे कि आपका रिटन एग्ज़ाम या फिर आपका फिजिकल टेस्ट या फिर आपका ट्रेड टेस्ट या फिर आपके मेडिकल की बात करें, जो भी आपकी प्रोसेस है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कहाँ पर होगी, ग्रीफ सेंटर DK कैंप पुणे में आपके जो फिजिकल वगैरह है या फिर जो एग्ज़ाम वगैरह है वो कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो आपका एक सेंटर पर न होकर आपका अलग अलग सेंटर पर या फिर आपका अलग अलग सिटी में कंडक्ट हो सकता है, जिस तरीके से आपका पहले वाले भर्ती में एग्जाम कंडक्ट हुआ था चंडीगढ़ में, गुवाहाटी में, पुणे में या फिर अलग अलग जगह पर। इस बार भी क्योंकि यहाँ पर आपके जो वैकेंसी हैं वो ज़्यादा रहने वाले हैं और वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो भी आपके ज़्यादा बच्चों के आउट किए जाएंगे, और इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी आपका पिछली भर्ती की तरह जो एग्ज़ाम है वो आपका ग्रीफ सेंटर पुणे में कंडक्ट न होकर आपका अलग अलग सेंटर या फिर अलग अलग सिटी में कंडक्ट किया जाए। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो कहाँ पर आपको भेजने हैं, तो देखिए आपको कमांडेंट ग्रीफ सेंटर DK कैंप पुणे में 411015 इस एड्रेस पर ओनली आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही जो फॉर्म है वो आपको भेजने होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपके और लिखी हुई है अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब ये है कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो भी आपको साथ में भेजना है और ओनली आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही जो फॉर्म है वो भेज देना है, इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट है वो आपका एक चीज़ और को जो है डिफाइन करता है वो होता है आपका जो आपका पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है AD, लेकिन आपको उस AD की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म को फिल करना है और जो आपके रजिस्टर्ड पोस्ट है उसके द्वारा फॉर्म आपको भेज देना है, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, इस बात को बिल्कुल आप लोग जो निश्चिंत होकर रख सकते हैं अपने माइंड में।
उसके बाद आपका जो अगला मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है या फिर जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो कब से आपकी कब तक मेजर किए जाएंगे, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के अनुसार ही जो आपकी एज है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कम्प्लीट होनी चाहिए। और आपकी लास्ट डेट कौन सी है, लास्ट डेट है आपकी 11 जुलाई 2022। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई गई है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं, वो आपका उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि आपको हमने ऊपर दिखाया था। आपका इस नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वहीं आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजने वाले हैं वो आपको इस तरीके से भेजना है कि आपका 11 जुलाई या फिर उससे पहले आपका फॉर्म ग्रीप सेंटर पुणे पर पहुँच जाए। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 11 जुलाई को फॉर्म आपको फिल करना है और फिर आपको डाक के द्वारा भेजना है। यहाँ पर आपको ये कोशिश करनी है कि 11 जुलाई से कम 10 दिन पहले जो फॉर्म है वो आप लोग अप्लाई करें, तभी जो आपका फॉर्म है वो सेंटर पर आप लोग कन्फर्म मान सकते हैं कि पहुँच जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका जो डाक विभाग होता है वो गलती कर देता है, लेट कर देता है आपके फॉर्म को और फॉर्म आपका ग्रीप सेंटर पुणे पर नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए कोशिश आपको ये करनी है कि अभी जो फॉर्म है वो आप लोग अप्लाई कर दें और अपने दिए एड्रेस पर आप भेज दें। और देखिएगा यहाँ पर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी एक्सेप्ट किस फॉर्मेट में की जाएगी, तो जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वहीं आपकी एक्सेप्ट की जाएगी, चाहे आपकी जो भी कैटेगरी हो। इसके अलावा देखिएगा जो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा या फिर जो आपकी फिजिकल होगी या फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा या फिर आपका मेडिकल होगा, जो भी आपकी प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस के जो कॉल लेटर हैं, सबसे पहली चीज़ें कि इनके आपके जो भी आपके कॉल लेटर हैं उसकी लिस्ट आएगी ऑनलाइन आपकी बीआरओग्राफी ऑफिशियल वेबसाइट www.bro.government.in या फिर जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उस एड्रेस पर बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो आपका कॉल लेटर है इन सभी स्टेज का वो भी आपको भेज दिया जाएगा। तो टोटल 2 तरीके से जो यहाँ पर आप कॉल लेटर है वो चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको फाइनल ज्वाइनिंग कब मिलेगी, कब आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर आप फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद जो आपकी फिजिकल की प्रोसेस है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो क्लियर करना होगा, फिर आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, जो ट्रेड टेस्ट होता है जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, वो क्लियर करना है, और उसके बाद जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो क्लियर करना है। यदि आप इन सभी स्टेज को कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल आप मेडिकल फिट पाए जाते हैं, तभी यहाँ पर जो है आपको ग्रीप सेंटर पुणे में ट्रेनिंग के लिए जो है बुलाया जाएगा, तभी आप ये मान सकते हैं कि आप जो फाइनल सिलेक्ट हो चुके हैं। और देखिएगा यहाँ पर जो पहले आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके जो एडमिट कार्ड आते हैं वो आपके आते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार, यानी कि जो SC ST OBC और कैटेगरी है EWS और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं, उन सभी के जो कॉल लेटर आएंगे वो आपकी कैटेगरी के जो परसेंटेज है उसके अनुसार आने वाले हैं। लेकिन जो आपके फाइनल मेरिट बनने वाली है उस मेरिट में अगर आपने अपना हाई स्कोर किया है किस कैटेगरी से, जनरल से ऊपर, तो आपको ऑटोमेटिकली ही वहाँ पर जनरल में काउंट कर लिया जाएगा अगर वहाँ पर आपने एज मीन्स कोटे नहीं ली है। ओके। और यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से आपकी BROGRAPH की पिछली भर्ती में पहले आपकी कितनी वैकेंसी आउट हुई थी, 150 150 वैकेंसी, लेकिन बाद में इन वैकेंसी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 318 वैकेंसी कर दिया गया था। तो उसी तरीके से BROGRAPH आपका ये चीज़ कहता है कि जो वैकेंसी हैं वो आपकी इंक्रीज, डिक्रीज और कैंसिल, यानी कि इन वैकेंसी को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है किसी भी स्टेज पर। जिस तरीके से आपके SKT के पहले वैकेंसी बढ़ाई गई थी फिर आपकी कैंसिल कर दी गई थी, तो ये आपका सब किसके अंडर है, आपका BROGRAPH के अंडर आता कि वो वैकेंसी के साथ आपका क्या करता है।
और यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस हमने बताई है उसमें याद रखिएगा कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है और जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मेडिकल भी आपका होता है क्वालिफाइंग नेचर का, जिसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ आपको पास करने होते हैं। इनको पास किए बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर इन सभी स्टेज को आप लोग पास कर देते हैं तो आपका जो मेरिट में नाम आएगा वो किसके बेस पर आएगा, आपके रिटन एग्जाम के बेस पर। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे बेस्ट जो स्कोर आपको करना होगा रिटन एग्जाम में करना होगा, लेकिन वहाँ पर आपको सिलेक्शन लेने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो फिजिकल, आपका ट्रेड टेस्ट और जो मेडिकल होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो सब आपको पास करना होगा, अदरवाइज आप लोग जो फेल कर दिए जाओगे। और यहाँ पर जो आपकी पहली स्टेज है रिटन एग्जाम की, तो उस रिटन एग्जाम में याद रखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है, यानी कि बी आर ग्रिफ का जो एग्जाम पैटर्न है वो फिक्शन नहीं है। इसमें क्या हो सकता है कि आपका पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो भी आ सकते हैं। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको क्या मिलेगी, ओमर शीट मिलेगी। यदि आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो आपको क्या मिलेगी लिखने के लिए, आंसर शीट, जैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलती थी 10th या फिर प्लस टू में। ओके, लेकिन आपकी मोस्ट जो पॉसिबिलिटी है 90% वहाँ पर आपका एग्जाम आएगा ओमर बेस्ड। किसी आपका अदर एक स्पेसिफिक रीजन में हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव हो। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आगे जो सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड आएंगे रिटन एग्जाम के लिए वो कितने बच्चों के आएंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी है उसको आप लोग 10 से गुणा कीजिएगा, या फिर टोटल वैकेंसी को आप 10 से गुणा कीजिएगा। तो जितने आपकी वैकेंसी हैं उसके 10 गुणा जो बच्चे हैं वो आपके बुलाए जाएंगे रिटन एग्जाम के लिए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि कम से कम यह आपके जो नंबर है ना कि एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, यह आपका कम से कम है। 10 की जगह 20 हो सकते हैं, 10 की जगह 40 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 से कम नहीं होंगे। यह आपका बी आर ग्रुप का जो पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स है। और अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें वहाँ पर आपकी एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चे नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो भर्ती होती है वो कैंसिल भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर SKT और DS में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वैकेंसी कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाखों में जो फॉर्म है वो अप्लाई होने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, जो आपकी एज लिमिट है SKT यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, वो रहने वाली है आपके 18 से 27 साल। ये किसके लिए है, जो आपकी कैटेगरी जनरल और EWS है उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइविंग इंजन स्टैटिक, इसमें आपकी एज लिमिट है 18 से 25 साल। ये भी किसके लिए है, यहाँ पर जनरल और EWS के लिए। तो एज में किसको कितनी छूट मिलेगी वो सुनिएगा। तो यहाँ पर आपके SC और ST को एज में 5 साल की छूट मिलेगी, जो आपकी OBC कैटेगरी है इसको एज में 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉई हैं वहाँ पर उनको जो है SC ST को 45 साल तक, OBC को 43 साल तक और UR को जो है 40 साल तक एज में छूट मिलने वाली है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर एज में छूट मिलेगी उनकी सर्विस के अनुसार। और यहाँ पर आपके जो जम्मू और कश्मीर के माइग्रेंट कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये आपकी एज में छूट है। जो आपका डाउट आ रहा था कि यहाँ पर आपके वो कैंडिडेट जिन्होंने पिछले भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया था तो क्या उनको एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं, तो नहीं, उनको एज में छूट नहीं दी गई है। यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ें देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपका जो अगला पॉइंट है वो है, देखिएगा, वेटेज फॉर इश्यू ऑफ ए को लेटर ओनली। तो ये क्या चीज़ है
तो यहाँ पर BR ग्रुप क्या करता है कि सबसे पहले जो आपके एडमिन कार्ड आउट करता है उस एडमिन कार्ड को आउट करता है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज के बेस पर। जैसे कि जो आपके SKT की पोस्ट है उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है +2 क्लास, तो +2 क्लास में आपके कितने परसेंट नंबर हैं उसके आधार पर आपका जो एडमिन कार्ड जो कॉल लेटर है वो आउट किया जाएगा। लेकिन उस परसेंटेज में आप एक्स्ट्रा जो परसेंटेज है वो ऐड कर सकते हैं, और वो आपकी कौन कौन सी परसेंटेज रहने वाली है एक्स्ट्रा वो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर पहला आपका जो पॉइंट है कि यदि आप BRO ग्रुप में आपका पिताजी यहाँ पर सर्विंग पर्सन है या फिर वो रिटायर्ड पर्सन है, तो आपके पिताजी के BRO ग्रुप में आपके सर्विस में होने पर या फिर उनके रिटायर होने पर जो 15% का लाभ है वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि वो उनकी एक संतान को ही लाभ दिया जाएगा। वहाँ पर यदि आपके ऐसे केस में कि आपके जो पिताजी हैं वहाँ पर आपके दो संतान हैं, आपके आप दो भाई इस जो है पॉइंट का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, इसके अलावा यदि आपके पास NCC की सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10% और बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 5%। लेकिन यदि आपके पास सी और बी दोनों सर्टिफिकेट हैं तो उस केस में आपको सिर्फ ज़्यादा जो है 10% नंबर दिए जाएंगे, 15% आपको नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा देखिएगा यदि आप BRO ग्रुप में किसी अन्य पोस्ट पर सर्विस में हैं और हायर पोस्ट के लिए फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं, याद रखिएगा वो पोस्ट आपकी हायर होनी चाहिए जिसमें आप सर्विस में हैं, तो वहाँ पर आपको 15% का जो लाभ है वो दिया जाएगा। और इस केस में कम से कम आपको जो सर्विस है वो 1 साल की होना ज़रूरी है, और जो यहाँ पर आपके एक्स सर्विस मैन हैं उनको भी देखिएगा 3 साल की जो एज में छूट है वो 3% के जो यहाँ पर लाभ की जानकारी है वो दी जाएगी। लेकिन को दी जाएगी यदि आपके पिताजी एक्स सर्विसमैन थे तो आपको 3% जो एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के, तो आपको 5% नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर यदि आप CPL हैं, कैजुअल पेड लेबर हैं BRO ग्रुप में, तो आपको जो है 10% का जो लाभ है वो दिया जाएगा। तो ये आप जो है पूरे पॉइंट देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट है या फिर सभी के सभी पॉइंट या फिर ज़्यादा पॉइंट हैं तो आप इन सभी पॉइंट का लाभ ले सकते हैं। किस चीज़ के लिए? सिर्फ और सिर्फ जो आपका एडमिन कार्ड आने वाला है उस एडमिन कार्ड में आपकी परसेंटेज के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। ओके, अब जरा नीचे आइएगा, और नीचे आने पर जो आपकी अगली जानकारी है वो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपकी जर्नल AWS और आपके जो एक्सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 50 रुपये की जो फीस है वो पे करनी होगी दोनों ही पोस्ट SKT और DS के लिए। और यदि आप देखिएगा यहाँ पर SKT और DS दोनों ही का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर 50-50 रुपये की जो अलग अलग फीस है वो आपको पे करनी होगी। और सेम यहाँ पर जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। इसके अलावा SC और जो ST कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर छूट दी गई है एप्लीकेशन फ़ीस में। और आपको क्या करना है, ये जो लिंक है इस लिंक से आपको फीस पे करनी होगी, और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर आपके जो फीस पे करने की प्रोसेस है वो भी आपको हमने बताई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आपको हमने बताया है उस तरीके से फीस पे करने के बाद उस फीस का जो प्रिंट आउट है वो आप लोग अपने फॉर्म के साथ लगा दीजिएगा और आप जो फॉर्म है वो भेज दीजिएगा। उसके बाद आपके अगली जानकारी है हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, तो वो आपको हमने बता दिया, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक मेन पॉइंट याद रखना है कि आपको एक ही पोस्ट के लिए आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप ऐसा करते हैं कि एक सिंगल पोस्ट का दो या फिर दो से ज़्यादा फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर अगर आपका एडमिन कार्ड आ भी जाता है तो एडमिन कार्ड आने के बाद भी फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिस तरीके से आपका व्हीकल मैकेनिक या फिर जो पेंटर की भर्ती है उसमें हुआ था कि आपके ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने डबल कैटेगरी
कैटेगरी में या फिर सिंगल कैटेगरी में दो फॉर्म अप्लाई किए थे और वहाँ पर उनका एडमिट कार्ड आने के बाद भी अलग से लिस्ट जारी हुई थी और उस लिस्ट में उनका एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया था। तो ये गलती आपको जो है नहीं दोहरानी है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर आप जो ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं ये भी आपको हमें अलग से बताया हुआ है। तो यहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेजने वाले हैं या तो आपको वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं या फिर वो आपको अटेस्ट करवाने हैं किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, ओके। तो यहाँ पर आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, खुद के द्वारा ही जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोग सेल्फ अटेस्टेड लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ओके। और एक और आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ आप लोग लगाने वाले हैं तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके सर्टिफिकेट है, वो आपकी या तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फिर आपकी हिंदी लैंग्वेज में हो। अगर आपकी वो रीजनल लैंग्वेज में है, आपके खुद के लैंग्वेज में है, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट, आपकी सर्टिफिकेट, इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा जो फॉर्म आप फिल करने वाले हैं उसके ऊपर आपको तीन चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके लिखनी है। सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम। सेकंड आपको लिखना है अपनी कैटेगरी, यू आर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन सीपीएल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको लिखनी है। और फिर आपको लिखना है वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कितनी आपकी परसेंटेज बनती है वो चीज़ आपको जो है यहाँ पर लिख देनी है। और ये कौन से परसेंटेज लिखनी है, यदि आपकी प्लस टू की परसेंटेज है प्लस में यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा वेटेज है उसको मिलाकर कितनी परसेंटेज आपकी बनती है वो टोटल आपको जो है उस लिफाफे के ऊपर लिखनी है जिसके अंदर अपना फॉर्म या फिर सभी डॉक्यूमेंट आप लोग जो है भेजने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो आपके एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की लास्ट डेट है वो आपकी है 11 जुलाई 2022, लेकिन ये किसके लिए है, यह आपके कुछ स्पेशल स्टेट हैं उनको छोड़कर है, यानी कि 11 जुलाई तक फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 11 जुलाई से प्लस में और आपके 15 दिन आप लोग जो है ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 26 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये किन के लिए रहेगी, तो यहाँ पर आप सभी उन स्टेट का नाम देख सकते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीज़न ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा लद्दाख डिवीज़न ऑफ ले एंड लद्दाख यूटी, अंडमान एंड निकोबार, और यहां पर जो लक्षद्वीप आपका यूटी है, इन सभी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रहने वाली है 26 जुलाई 2022। और देखिएगा यहाँ पर आपके जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए यानी कि एसकेटी और डीएस का जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोस्ट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड होने पर इस जॉब को आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले वैकेंसी में आप लोग जो वेट कर सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड अपनी नई वैकेंसी के लिए। उसके बाद है इनवैलिड एप्लीकेशन, यानी कि किन किन गलतियों की वजह से जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पर कुछ आपके ऐसे मेन पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने आपकी वीडियो बनाई हुई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो आपको कंप्लीट देखनी है, चाहे आपने फॉर्म फिल किया हो या फिर नहीं किया हो। वहाँ से आपको ये देखना है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, जिस तरीके से आपको हमने बताया है अगर वैसे फॉर्म आपने फिल किया है बिना किसी डाउट के आप लोग तैयार रहिएगा अपने एडमिट कार्ड के लिए, ओके। अगर आप परसेंटेज के यहाँ पर क्राइटेरिया में आ जाते हैं, इसके अलावा जो आपके मेन पॉइंट होते हैं रिजेक्ट होने के वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं वहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट को आप लोग खाली छोड़ देते हैं जो आपका एसेंशियल होता है, जो आपका मेन होता है, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यदि आप लोग फॉर्म पर फोटो नहीं लगाते, यदि आप डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड नहीं करते या फिर आपके दिए हुए पॉइंट पर आप लोग सिग्नेचर नहीं करते, अपना थंब इंप्रेशन नहीं लगाते, उनको खाली छोड़ देते हैं, या फिर कोई पॉइंट आप लोग गलत फिल कर देते हैं, गलत भर देते हैं, या फिर जो फॉर्म आप फिल करने वाले हैं तो स्टार्टिंग डेट से पहले अगर फॉर्म वहाँ पर आप लोग भेज देते हैं या फिर एप्लीकेशन फिलअप करने की जो लास्ट डेट है उसके बाद आप लोग फॉर्म
भेजते हैं, तो इन सभी रीजन में जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपका जो फॉर्मेट आपका ने बीआर ग्रुप में दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, यदि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके बीआर ग्रुप के बताए हुए अनुसार नहीं है, इन सभी केसेज में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, यह आपके वो सभी मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे मेन आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें आपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो उन सभी डॉक्यूमेंट को साथ में आपको लेकर जाना होगा, तभी वहाँ पर आपको जो डीवी है वो कम्प्लीट हो पाएगा। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी स्टेज आपकी कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपको हमने बताया, सबसे पहले आपके कॉल लेटर जारी किए जाएंगे किस चीज़ के लिए, आपके रिटर्न एग्जाम के लिए। ओके, रिटर्न एग्जाम कितने बच्चों का कॉल लेटर आएगा, तो वैकेंसी के कम से कम मिनिमम जो आपके 10 गुना बच्चे हैं उनका कॉल लेटर आएगा, लेकिन ये आपका जो डाटा है वो आपका लगभग 15 गुना पाया जाता है लगभग आपके जितने वैकेंसी आउट होते हैं बीआर ग्रुप में उनमें। इसके बाद यदि आपका कॉल लेटर आ जाता है तो आपका क्या चीज़ कंडक्ट किया जाएगा, वहाँ पर देखिए आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, किस सेंटर पर है, वो सभी आपको बता दिया जाएगा जब आपकी लिस्ट आएगी ऑनलाइन या फिर आपका जो कॉल लेटर आने वाला है आपके घर पर उसमें। ओके, रिटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ रहता है ये हमने आपको बता दिया है। और लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि रिटर्न एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए या फिर आपके जो कट ऑफ बनती है उसमें आने के लिए एक क्राइटेरिया आपको पास करना होता है, वो क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कम से कम 50% और यहाँ पर एससी एसटी को 40%, यानी कि जितने नंबर का आपका पेपर होता है उसमें से 50% यहाँ पर आपकी तीन कैटेगरी यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और 40% एससी एसटी अगर स्कोर नहीं करती हैं तो आपको कट ऑफ में काउंटर नहीं किया जाता, आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है। अगर इतना स्कोर आप लोग करते हैं तभी आपको जो कट ऑफ में काउंट किया जाता है, और अगर कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई माना जाता है। और यदि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तब आपके घर पर कॉल लेटर आएगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए, उसके बाद आपका होगा प्रैक्टिकल या फिर ट्रेड टेस्ट है, और यहाँ पर इनकी जो डेट होगी वो आपको बता दी जाएगी ऑनलाइन और आपके आने वाले घर पर एक कॉल लेटर में, ठीक है जी। और यहाँ पर फिजिकल में क्या कुछ आपका कंडक्ट किया जाएगा, तो बिल्कुल कतई नॉर्मल है, आपकी 1 मील की रेस होने वाली है और टाइम आपको मिलेगा बिल्कुल 10 मिनट का, तो यहाँ पर आराम से चल कर जो रेस है वो आप लोग क्वालिफाई कर देंगे। और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी को क्लियर करने के बाद जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। और मेडिकल एग्जाम में देखिएगा, वैसे तो आपका कोई हार्ड मेडिकल बीआर ग्रुप में नहीं होता है, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी दिक्कत है जो आपके लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकती, जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है, तो इन सभी केसेस में आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके अंदर कोई नॉर्मल दिक्कत है तो वहाँ पर आपका जो मेडिकल है वो पास कर दिया जाता है। इसके अलावा देखिएगा, यदि आप अपना रिटर्न एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर खुद के खर्चे पर आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं और आपको जो है बुलाया जाता है ट्रेड टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं वहाँ पर बीआर ग्रुप आपको खर्चा देता है सेकेंड क्लास का, ट्रेन का, या फिर आपको जो बस की टिकट हैं वो आपको साथ में लेकर जानी होती हैं, वो आपका जो भी खर्चा होता है बीआर ग्रुप आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देता है। ओके, लेकिन वहाँ पर देखिएगा, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है और जो आपके जर्नी के यहाँ पर टिकट है और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब आपको साथ में लेकर जानी होगी अपना खर्चा लेने के लिए। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने वाले हैं यहाँ पर, उस एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर भी आप जो है डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर ना लिखें, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपका सबसे बड़ा मेन डाउट रहता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में
तो यहाँ पर जो आपकी SKT की पोस्ट है, आपको हमने पहले भी बार बार बताया है कि सिर्फ और सिर्फ प्लस टू पास होने पर यहाँ पर SKT के पोस्ट में फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताई गई है, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर एस्टेब्लिशमेंट। तो ये सिर्फ आपका डिज़ायरेबल है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस केस में भी आप लोग एलिजिबल हैं, मात्र आप लोग जो है प्लस टू पास होने पर। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट को बिल्कुल आप लोग जो है याद रखिएगा। देन आपकी जो अगली पोस्ट है ड्राइवर इंजन स्टडी की, इसमें पहले आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए ITI की। वो किस स्टेट में होनी चाहिए, तो वो आपके मैकेनिक मोटर में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में या फिर आपके मैकेनिक ट्रैक्टर में। अगर इन सभी ट्रेड में आपने ITI की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूछा था कि जो आपके डीजल मैकेनिक वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं या फिर नहीं, तो इस नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कहीं पर भी आपके डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि डीजल मैकेनिक वाले इस भर्ती में एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, और ये जो आपकी सर्टिफिकेट है ITI की होनी चाहिए, वो आपकी SCVT हो या फिर NCVT हो, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिएगा जो आपकी पहली स्टेज है रिटर्न एग्ज़ाम की, तो वो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है चाहे आपका सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, वहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखिएगा आपका SKT में एक तो आएंगे SKT के ट्रेड से, सेकंड आपके अर्थमेटिक यानी कि मैथ से और फिर आपके GK से। ये 3 पोर्शन आपको तैयार करने हैं अपने रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपके जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट है, इसमें कुछ आपके मेन पॉइंट हैं जो कि आपके ट्रेड के हैं, और सेकंड आपका जो यहाँ पर पॉइंट है आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका GK का। तो ये 2 आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं ट्रेड का और GK का ड्राइव इंजन स्टडी के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप सिर्फ वही चीज़ें तैयार कीजिएगा जो आपके नोटिफिकेशन में आपके सिलेबस में दी हुई हैं। यदि यह आप टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। और जो यहाँ पर आपका हमने SKT ड्राइव इंजन स्टडी का बैच या फिर आपके जो नोट्स हमने लॉन्च किए हैं उसमें हमने बिल्कुल इसी तरीके से काम किया है कि इन सभी आपके जो टॉपिक हैं इनको तो कवर किया ही जाए, लेकिन साथ ही साथ में जो कुछ आपका पार्ट होता है मिसलिनियस वो भी आपका हमने कवर किया है। और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, गारंटी देते हैं कि इन नोट को या फिर आपके बैच को कवर करने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लोग पिछले भर्ती में देख भी सकते हैं, जिसमें 123 प्लस हमारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया था। ओके, और यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम होने के बाद आपका जो अगली स्टेज होगी वो होगी आपके ट्रेड टेस्ट की। जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो SKT के पोस्ट में कंडक्ट नहीं किया जाएगा, SKT के पोस्ट में डायरेक्ट आपका फिजिकल होगा, लेकिन यहाँ पर DSK पोस्ट में जो आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होता है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका 3 सेक्शन में जो है ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वो कौन कौन से सेक्शन हैं, एक है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए इंजन पार्ट ऑफ ए स्टैटिक इंजन, यानी कि स्टैटिक इंजन के जो पार्ट होते हैं उनको किस प्रकार से आपको पहचानना होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, या फिर आपका ऑयल्स का लुब्रिकेंट का क्या यूज होता है, आपके जो टूल्स होते हैं जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी पहचान, उनका उपयोग, उनकी मरम्मत वगैरह, इन सभी के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपके कंडक्ट की जाएंगी DSK पोस्ट में ट्रेड टेस्ट के टाइम। ओके, और यहाँ पर देखिएगा DSK पोस्ट में कम से कम आपको जो 40% नंबर हैं वो लाने जरूरी हैं ट्रेड टेस्ट पास करने के लिए। अगर इतने नंबर आप लोग नहीं लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, अगर पास आप लोग हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका मेरिट में वेटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो आगे के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद है देखिएगा आपकी पे स्केल की जानकारी, तो यहाँ पर जो आपकी SKT की पोस्ट है इसमें आपका पे स्केल रहेगा लेवल 2 के अनुसार 19,900 से लेकर आपका 63,200 तक। इसके बाद आपका MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक में जो पे स्केल है वो रहेगा लेवल 1 के अनुसार 18,000 से आपका 56,900 तक। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा आपके जितने भी अलाउंस हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे इस सैलरी के अलावा आपको ऐड करके। तो
यानी कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे खासी सैलरी आपको दी जाएगी, प्लस में आपको यहाँ पर जो बी आर ओ ग्रफी यूनिफॉर्म होती है वो भी मिलने वाली है, जो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा डाउट था कि यूनिफॉर्म मिलेगी या फिर नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल, आपको बी आर ओ ग्रफी यूनिफॉर्म दी जाती है अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। और फिजिकल यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एसकेटी और ड्राइवर इनिस्टेटिक दोनों के लिए यहाँ पर जो है अप्लाई है, जो कि यहाँ पर आपकी 1 मील की होगी। टोटल टाइम आपको मिलेगा 10 मिनट का। तो देखिएगा ये आपकी पूरी जो जानकारी है आपके बी आर ओ ग्रिफ की एसकेटी और डीएस की भर्ती के बारे में, वो आपको हमने बता दी है। जो पूरे 36 पेज का आपका नोटिफिकेशन है, इसमें आपके भर्ती के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी का निचोड़ हमने इस वीडियो में कर दिया है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अब आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा अगर आपने यहाँ तक इतनी लंबी वीडियो देखी है तो इसका मतलब साफ है कि आप जो बिल्कुल पूरे डेडिकेट है अपनी भर्ती के लिए, अपनी तैयारी के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए। और सिलेक्शन के लिए देखिएगा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9636385526। इस नंबर पर आप लोग जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको बैच एफ नोट्स की जानकारी जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, वह आपको सारी चीज़ें जो है अवेलेबल करा दी जाएंगी। ओके, और देखिएगा आगे की जो भी आपकी अपडेट होगी आपकी भर्ती की, वो आपको हम टाइम टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी यहाँ पर एक सिंगल डाउट न बचे आपके भर्ती के बारे में। ओके, तो ये थी जानकारी, जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।